हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की कतली वाली सब्जी। बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही फटाफट से इस रेसिपी को आज हम तैयार करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये रेसिपी ना बहुत ही मजेदार बनती है, यकीन मानिए। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा, ऑंगली सब चाट करके लो सभी लोग खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे 2 पीस मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल मोटे साइज में कट कर लीजिएगा। 1 गांठी मैंने यहाँ पर लहसुन की ली है और 2 पीस हरी मिर्च है। सभी को दरदरा सा हमें पीस लेना है बिना पानी के, ठीक है। इसे हम पेस्ट, इसका पेस्ट, फाइन पेस्ट हमें तैयार नहीं करना है, दरदरा सा हमें रखना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब 1 बड़े साइज का टमाटर लीजिएगा, इसकी प्यूरी को अलग से बना करके रखिएगा। तो दोनों चीजों को आप अलग से आप करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पर 1 मिक्सिंग बाउल। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप छना हुआ बेसन। तो बेसन की रेसिपी है दोस्तों, तो इसलिए बेसन तो यूज करना ही होगा। और ये रेसिपी ना बहुत ही मजेदार बनने वाली है, बिल्कुल यूनिक तरीके से आज मैं बनाने जा रही हूँ, और वो भी बिल्कुल झटपट से। तो चलिए इसे हमें फ्लेवरफुल अंदर से इसे हम बनाना है। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दीजिए और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। कलर के लिए यहाँ पर अच्छा सा डाल दीजिएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन हरी मिर्च को बिल्कुल दरदरा सा मैंने कूट लिया है, यानी कि पीस लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में ही इसे रुक रुक करके मैंने मिक्सर को चलाया है और इस तरीके से पेस्ट तैयार हो गया। तो 1/2 चम्मच यहाँ पर डाल दीजिएगा और फ्रेश धनिया की पत्ती यहाँ पर डाल दीजिए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम पहले कर लेते हैं, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज जो है अंदर में जो पड़ती है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सारी चीजों को जरूर से डालिएगा। सारी चीजें जो है हमारे किचन में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका गांठे वगैरह जो होती है, लम्स वगैरह जो होती है ना, वो बिल्कुल हमें रिमूव कर देना है, यानी कि खत्म कर देना है। तो चलिए पहले अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, हमें रनिंग कंसिस्टेंसी रखनी है, जिस तरीके से हम चिला वगैरह बनाते हैं ना, बस वही कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर इस तरीके से रखनी है। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी भी मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमें रखनी है। तो इस तरीके से हमें रख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखिए 1 तवा और उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, ताकि अच्छे से इसे हम फैला लेते हैं, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से लग सके। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1 करछुल लेंगे और इस तरीके से हम 1 लीड लेते हैं और इसके बीच सेंटर में हम इसे डाल देंगे। और इस तरीके से डोसा जिस तरीके से हम फैलाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें फैला लेना है। फर्क इतना है कि इसे ये हमें थोड़ा सा मोटा ही ठीक ही रखना है, ठीक है, क्योंकि डोसा जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है, तो उतना हमें पतला नहीं रखना है, बस इतना ही हमें रखना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। तो ये देखिए कुछ सेकंड इसे आप छोड़ दीजिएगा इसी तरीके से, ऊपर से बिल्कुल स्टीम हो जाएगी, बिल्कुल जब पक जाएगी तब हमें इसे क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चिपका नहीं है, नॉन स्टिक पे तवा पे आप बनाइएगा, बिल्कुल चिपकेगा नहीं ये। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, और हाँ, इसे ना चम्मच से प्रेस करते हुए चले जाइएगा, ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से ये चिपक सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपका भी लिया है। तो चलिए एक साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इसे पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं। जब एक साइड हो जाएगा उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे, यानी कि पलट लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए एक साइड से खुल भी गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस तरीके से हमें पलटते हुए हमें इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है, तो देख सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसे इस तरीके से आप इसे कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको आप निकाल लीजिएगा, जब ये ठंडी हो जाएगी तभी आप इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसे ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसकी कटिंग मैं करूंगी। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी हम इस तरीके से हम पीसेस तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से हम पहले फैला लेते हैं इस तरीके से, और 1 लीड हम इसमें बेसन का बैटर डाले देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम फैला देंगे। तो ये देखिए ये हो गया ना, बस उसी मेथड से इसे हमें
पका लेना है, जब अच्छे से ये ऊपर साइड हो जाएगा फोल्ड करके इसको निकाल लेना है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए, एक कढ़ाई रख दीजिए गैस पे और उस पर डाल दीजिए आधा कप यहाँ पर ऑयल। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, ज्यादा नहीं, आपको जितना ऑयल पसंद हो उतना ही डालिएगा, कम या बेसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर डाल दीजिएगा आधा चम्मच जीरा, और कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं यानी गर्म मसाले डाल देते हैं। तो एक पीस मैंने यहाँ पे छोटी इलायची डाला है, 2 से 3 लौंग है, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, बस छोटा ही डालना है, ज्यादा बड़ा नहीं डालना है, क्योंकि वो दालचीनी जो है बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर होता है, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इन सारी चीजों को मैंने डाल दिया है, तो अब जैसे ही वो चटक जाएगा उसके बाद यहाँ पर दरदरा सा पिसा हुआ जो है पेस्ट, इसको हम डाल देते हैं, ये लहसुन और प्याज हरी मिर्च वाली, ठीक है। तो इसे अब हम कुछ देर सॉटे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम पका लेते हैं। तो ये जब तक पक रही है तो इसे हम क्या करेंगे, ये देखिए बेसन वाली जो ये ठंडी हो चुकी है, तो इसे एक पीसेस में कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो से इसके पीसेस आप कट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने 1 मिनट इसे मैंने पका लिया है प्याज को। अब इसके साथ में हम डाल देते हैं एक टमाटर की प्यूरी जो मैंने बना करके रखी थी ना, वो वाली प्यूरी इसमें हम डाल देते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके साथ में हम क्या करना है, हमें नमक डालना है, क्योंकि अच्छे से हमारा टमाटर जो है अच्छे से कुक हो सके। तो आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। तो अब हम कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे इसी के साथ में ही। तो आधा चम्मच यहाँ पर डाल दीजिए हल्दी पाउडर, और डाल देते हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर। तो तीखा जो है अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें डली हुई है। और इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसी की हम भुनाई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई पर नहीं कीजिएगा, और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए इसकी हम कुछ भुनाई मैंने कर ली है। 1 मिनट मैंने इसे पका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। तो चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसकी भी भुनाई करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम भुनाई कर लेते हैं। इसका फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आता है। तो इसे हम क्या करेंगे कि हम लिड को कवर करते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ऑयल बिल्कुल अच्छे से रिलीज हो सके, सरफेस पे आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 से 2 मिनट इसे हमें ना मीडियम फ्लेम पर इसकी हम भुनाई मैंने की है। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है। जब इस स्टेज पे आ जाएगा तो यहाँ पर आधा चम्मच आप कसूरी मेथी डाल दीजिएगा और 2 चम्मच यहाँ पर दही ऐड कर लीजिए। दही का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, जरूर से आप ऐड करके देखिएगा। मलाई बिल्कुल नहीं कीजिए, आप दही ऐड कीजिएगा। इसका बेसन की रेसिपी जब भी आप बनाइए ना, तो दही जरूर से आप ऐड कीजिएगा। तो क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल अलग सा हो जाता है, बिल्कुल टैंगी फ्लेवर आ जाता है। तो और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए अब ये हमारा जो है बैटर जो है लगा हुआ था प्याला में, तो मैंने 2 चम्मच इसमें पानी डाल दिया, इसे अच्छे से मैंने घोल लिया है और इसमें डाल देते हैं, ताकि ये बैटर भी वेस्ट ना हो। और इसमें मैंने डाल दिया ताकि इसमें ग्रेवी भी अच्छी सी हो जाएगी, बहुत अच्छी थिक भी बन जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए मैंने इसमें डाल करके इसे अच्छे से अब हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे। जब तक इसको हम ना भुनाई करेंगे जब तक के इसका जो है ऑयल बिल्कुल सरफेस पे नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल सरफेस पे आ गया है, बहुत ही अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। तो यहाँ पर देख सकिए, और इसके और भी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे ताकि एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ सके। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेकंड के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट इसे आप जरूर से भून लीजिएगा फिर से अच्छे से, और उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पर थोड़ा सा बेसी डालिएगा, क्योंकि ये बेसन की सब्जी है, बेसन जो है पानी एब्जॉर्ब करती है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा, ठीक है। तो मैंने 1 कप यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया है। अब यहाँ पर फ्रेश धनिया की पत्ती अगर हो तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लीड को कवर करते हुए अब इसके हम एक बॉयल आने तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉयल अच्छा सा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने इतने बड़े बड़े मैंने पीसेस में मैंने कट किया है, ठीक है। तो अब हम जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो सभी पीसेस को एक एक पीस करते हुए उठाएंगे और इसमें डालते हुए चले जाएंगे ग्रेवी में। तो इस तरीके से हमें डाल देना है।
तो कुछ देर आपकी ग्रेवी जो है पतली लगेगी, लेकिन ये जब ठंडी जब हो जाएगी तो बिल्कुल गाढ़ी और बहुत मजेदार बनेगी। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ना जरूर से आप बना करके देखिएगा, सभी उंगली चाटते हुए रह जाएंगे। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको जरूर से पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और अपना फीडबैक मुझे जरूर से दें और इस रेसिपी को जरूर से लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर इसे मैंने कुक किया है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट एकदम बिल्कुल हो चुका है, ये देखिए। और इसकी जो है ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो रही है, ये ग्रेवी और भी थिक हो जाएगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो ये जो है अभी बिल्कुल गर्म हो। अब घर पे जब भी कोई सब्जी ना हो तो ये रेसिपी आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और ये रेसिपी आप बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। सभी लोग को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये जो रेसिपी मैंने जब बनाया था तो हमारे घर में सभी को बेहद पसंद आई थी, तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।